तो हेलो थ्री डी लवर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आ चुका हूं एक और न्यू वीडियो के साथ। एंड आज की इस वीडियो में मैं यहां पर आपको देने वाला हूं फुल क्लॉक टावर का ऑटो टेक्सचर 3D मॉडल। एंड आप में से काफी बंदे कमेंट कर रहे थे कि भाई आप ऑटो टेक्सचर 3D मॉडल दो, तो मैंने सोचा जो मैंने फुल क्लॉक टावर का 3D मॉडल बनाया उसका जो ऑटो टेक्सचर 3D मॉडल है वो मैं आपको दे देता हूँ प्रिज्मा 3D के लिए। तो सबसे पहले तुम लोग क्या करना है, जो फाइल की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद एंड आपको प्रिज्मा 3D को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इंपोर्ट के ऊपर। एंड जहाँ पर आपने अपनी फाइल को सेव करके रखा है आपको वहां पे चले जाना है। तो मेरे यहाँ पर डाउनलोड वाले फोल्डर में पड़ी है। एंड यहाँ पर आपको ये जिप फाइल देखने को मिल जाएगी, इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना। सिंपल आपको क्या करना है, इसे ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो फाइल है अनजिप हो रही है। एंड जैसे ही फाइल अनजिप हो जाएगी तो यहाँ पर आपके सामने काफी सारी फाइल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर टॉप पर आपको फुल क्लॉक टावर की जो ये फाइल देखने को मिल रही है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर जो आपका 3D मॉडल होगा वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आपको यहाँ पर थोड़ा सा फिर से वेट कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा फुल क्लॉक टावर का 3D मॉडल है ये इंपोर्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें सही से टेक्सचर आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा फुल क्लॉक टावर है इसमें सही से सभी टेक्सचर आ रहे हैं। एंड आपको यहाँ पर टेक्सचर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड जो फाइल है वो विदाउट पासवर्ड है, तो सिंपल आपको उसको डाउनलोड करके आप उसे यूज कर सकते हो। एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं आपको मिलूंगा इसी और न्यू वीडियो के साथ। तो बाय 3D लवर्स।